हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्प टेकर। हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले मैं बताऊं दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कैसे ग्रामीण क्षेत्रों का बिजली बिल कैसे निकाल सकते हैं आप। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली बिल आप घर बैठे मोबाइल से कैसे निकाल सकते हैं, आप ज़रूर देखें। तो चलिए मैं बता रहा, सबसे पहले आप टाइप कीजिए, गूगल खोलिए अपना ब्राउज़र। खोलने के बाद गूगल पर टाइप कीजिए UPPCL.org। देखिए यहाँ पे UPPCL.org मैंने पहले से टाइप कर रखा था, इसलिए यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया है, यहाँ पे ये सामने दिख रहा होगा आपको। तो आप क्या करिए, इसको सर्च करिए UPPCL.org को। UPPCL.org देखिए आपका ये खुल के सामने आ गया, पेज सामने खुल के आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखिए आप सही से ID खोलिएगा, जो मैंने बताया वहीं खोलिएगा। देखिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का फोटो आ गया है, कंज्यूमर कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे कंज्यूमर कॉर्नर पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, बिल पेमेंट। ठीक, बिल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, दूसरा है बिल पेमेंट अर्बन मतलब सॉरी बिल पेमेंट रूलर मतलब ग्रामीण होता है। ठीक, तो हमको इसी जानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों का बिजली बिल कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे बिल पेमेंट रूलर पे क्लिक करिए, आप बिल पेमेंट रूलर पे क्लिक करिए। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे सामने, और यहाँ पे तीन ऑप्शन निकल के आएगा, लॉगिन और बिल भुगतान बिल देखें और पंजीकरण स्थिति। तो हमें करना क्या है, इस पर चले जाइए आप, बिल भुगतान बिल देखें, ये सामने होगा बिल भुगतान बिल देखें, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका ये सामने आ जाएगा, अकाउंट नंबर और इमेज वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का बिजली बिल जो होता है निकालने के लिए एक जब मीटर लगता है, तो वहाँ पे 12 अंक का, जैसे मीटर जब लगाते हैं तो एक 12 अंक का अकाउंट नंबर जनरेट होता है, एक बिल बनाई जाती है रसीद, जो कि UPPCL के साइट पर जाती है, UPPCL के पास जाती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार पावर कॉर्पोरेशन के पास। तो वहाँ से एक 12 डिजिट का अकाउंट नंबर जनरेट किया जाता है। वो अकाउंट नंबर क्या होता है, आप ज़रूर ज़रूर अपना जब बिल जब बनवाए हो, जब आपका मीटर लगा हो, तो उस पर ज़रूर ज़रूर अपना अकाउंट नंबर 12 अंक का ज़रूर ज़रूर देखें। तो मैं बता दे रहा, चलिए मैं एक अकाउंट नंबर लेके मैं आपको पूरा बिल निकाल के दिखा रहा पूरा। तो आप ज़रूर ज़रूर अपना अकाउंट नंबर देख के यहाँ से जैसे मैं बता रहा वैसे ही कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर एक मैं जनरेट कर रहा, अकाउंट नंबर चलिए मैं एक टाइप कर रहा, अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे है, मैंने एक अकाउंट नंबर टाइप कर रहा, ये देखिए आगे सामने, ये अकाउंट नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड जो है उसको फिलअप करिए, वेरिफिकेशन कोड या कैप्चा कोड एक ही होता है। करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट पर आप क्लिक करिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ये देखिए लेटेस्ट बिल समरी निकल के आ गई। ठीक, ये पूरा जो है देख लीजिए, ये है जितना बिल आपको जमा करना है, नेट पे पेबल अमाउंट ये होता है जितना बिल आपको जमा करना होता है। अकाउंट नंबर देख लीजिए, ये आपका अकाउंट नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये अकाउंट नंबर रहेगा आपका पूरा, ये नाम इधर हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा जब तक आपका बिल कितने दिनों के लिए निकल के बन रहा, कब तक कनेक्शन कटेगा उसके लिए है, और ड्यू डेट का मतलब होता है कितने तारीख को आप जनरेट करवा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे पूरी बिल की जो रसीद है उसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आ रहा ऑप्शन बिल प्रिंट ड्यू प्रिंट बिल, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका ये पूरा निकल के आ गया। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दे रहा, ये क्या है पूरा मैं डिटेल से आपको बता दे रहा, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो देखिए ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो चार भागों में इनको डिवाइड कर रखा, पूर्वांचल विद्युत और पश्चिमांचल और दक्षिणांचल एक और है, तो ऐसे इनको चार भागों में डिवाइड कर रखा। तो ये पूरी जो है ये पूर्वांचल वालों के लिए ये पूरा आपका ये रसीद निकल के आ गया, इसके बारे में बता दे रहा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आपका ये अकाउंट नंबर, ये है अकाउंट नंबर शो कर रहा,
और यहाँ पे SCN नंबर होता है, जिस डिवीजन का होता है उस डिवीजन का SCN नंबर एक जनरेट होता है। हर एक ज़िले के SCN नंबर अलग अलग होता है। तो ये अब यहाँ पे देखिए लास्ट रीडिंग जो पुराना रीडिंग है और जो करेंट रीडिंग जो चल रहा वो, यानी कि जो पुरानी रीडिंग थी वो यहाँ पे करेंट रीडिंग यानी जितना हमारा चल के इसमें प्रॉपर करेंट में हो गया वो रीडिंग दिखाई दे रहा। अब टोटल यूनिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 103 है। तो 120 माइनस 100 जब 103 है तो 120 माइनस 103 जब करेंगे तो टोटल जो आएगा 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल यूनिट की बात करें तो टोटल यूनिट जो आ गया है 17 यूनिट हो गया है। और इसके बारे में हम बता दें, देखिए यहाँ पे इसमें अलग अलग चार्जेस लगते हैं, जैसे एनर्जी चार्जेस हो गया, फिक्स चार्जेस हो गया, डिमांड चार्ज हो गया, रेगुलेटिंग चार्ज हो गया, ये अलग अलग चार्जेस इसमें अप्लाई होते हैं। तो ये गवर्नमेंट लगाती है अलग से, जो बिजली यूज करते हैं उस पर अलग अलग चार्जेस होते हैं। अब मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि बिजली बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ पे कितने चार्जेस लगते हैं। तो चैनल को जल्दी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मैं देखो यहाँ पे बता दे रहा है, यहाँ पे जैसे कि कितने किलोवाट का लोड आप यूज कर रहे हैं घर में, जैसे बिजली आप बिजली क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो देखा जाता है कि जैसे फ़ैन कितने कितना वाट खा रहा, या तो प्रेस यूज कर रहे हैं और कूलर यूज कर रहे हैं और जो भी उपकरण टीवी वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो कितना किलोवाट खाता है। तो ये लोड दिया जाता है एक, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक किलोवाट का लोड है। तो बहुत जगह क्या होता है ज़्यादा लोड रहता है तो 4 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसे लोड दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्रॉम 2 मंथ, तो यानी कि देखिए यहाँ पे जो बिल निकाल रखे हैं ये सामने कितने से कितने तक का, 22/1/2020 से 10/2/2020 तक का 1 मंथ का ये बिल जनरेट हो रखा, ये पूरा है, ये पूरा बिजली बिल निकल के आपको रसीद सामने दिख रहा होगा। और मैं बता दूं कि आप कोई भी शिकायत या कुछ भी करना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1912 टोल फ्री नंबर होता है, उस पर भी आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नहीं आप चैनल पर बने रहिए, सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो इसी पे जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई या जो कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है जरूर जरूर पूछ ले, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। और देखिए यहाँ पे ये आ गया, बैक जाइए, बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे सामने आ रहा होगा ड्यू प्रिंट रेसिपीट, ठीक। तो इस पर करने के बाद आपका जो एक प्रिंट होता है, एक दूसरी प्रिंट जनरेट होती है, उसको आप ले सकते हैं। इसको आप चाहे तो फोटो स्टेट से इसकी फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं। देखिए इनका पूरा ये रसीद जनरेट होके आ गया सामने। इसमें क्या है ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये बार स्कैनर हो गया, क्यूआर स्कैनर, बार स्कैनर और क्यूआर स्कैनर है सामने। ये पूरी इसको आप चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं, ये पूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।